दूर दूर तक केवल जल का विस्तार। गंगा अब करने लगी है सड़कों को पार। अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो में अपने किनारे को तोड़ने को आतुर गंगा नदी की झलक मिल रही होगी। आप स्क्रीन पर साइकिल चालक को चलते हुए देख रहे हैं, लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सड़क कहां गई। बढ़ी हुई गंगा ने इस सड़क को मानो अपने अंदर समाहित कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ते जलस्तर का असर अब गाजीपुर में अलग अलग जगहों पर दिखने लगा है। साइकिल सवार वाला जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ये नगदिलपुर के पास बक्सु बाबा मंदिर का सड़क है। अब आप ही बताइए कि सड़क कहां है। चलिए अब आपको ऐसा ही दृश्य दूसरी जगह का दिखाते हैं। यहां भी गंगा का पानी सड़क को पार कर गया है, लेकिन गनीमत यह है कि अभी सड़क दिख रही है। हालांकि लड़कों पर गंगा के बढ़ते जलस्तर का उल्टा असर दिख रहा है। ट्रैक्टर में गाना बजाकर ये लड़के बढ़ती गंगा के पानी में मस्ती कर रहे हैं। आखिर बाल मन मस्ती ही करेगा, लेकिन बढ़ती गंगा में बड़ों और बुजुर्गों को मस्ती नहीं बल्कि टेंशन की बात नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से गंगा के जलस्तर में बढ़ाव का क्रम जारी है। शुक्रवार सुबह 8 बजे तक गंगा का जलस्तर 61.94 मीटर तक पहुंच गया। हालांकि खतरे का निशान 63.105 मीटर है। इसके बावजूद लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ गई है। गंगा के जलस्तर में हर घंटे आधे सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। शहर के कलेक्टर घाट, ददरी घाट, मंसूरी घाट, चीतनाथ घाट, पोस्ता घाट सहित गंगा घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। वहीं रेवतीपुर कामाख्या धाम मार्ग पर नगदीलपुर और हसनपुरा गांव के पास पतित पावनी सड़क पर पहुंच गई हैं। इससे आवागमन करने वालों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि अभी गंगा खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन खासकर तटवर्ती इलाकों के लोगों की बेचैनी बाढ़ की आशंका से बढ़ गई है। इस संबंध में केंद्रीय जल आयोग के कर्मी हसनैन ने बताया कि गंगा के बढ़ने का क्रम लगातार जारी है। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।